हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीतास लाइव। और मैं हूँ संगीता। आज मैं दिन भर बहुत बिजी हूँ क्योंकि मैं कुछ तैयारी कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड का है बर्थडे 23rd ऑफ जून। तो अभी से मैं बर्थडे का सारे तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मुझे केक बनानी है, मिठाई बनानी है और खुद अपने से ही बनानी है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ, एक दिन है बीच में से मंगल को है, तो आज मंडे है और वेडनेसडे को है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। तो फिर मैं सोच रही हूँ ना, अभी से केक मिठाई वगैरह सब कुछ बना लेती हूँ क्योंकि जिस दिन उनका बर्थडे होगा ना, उसी दिन मैं मॉर्निंग से जो फ्रेश खाना होगा वो सब बनाएंगे, तो उसमें मेरा टाइम चला जाएगा। तो इसीलिए केक वगैरह मिठाई वगैरह पहले से बना लेंगे ना, तो मेरे को उस दिन ना प्रेशर कम रहेगा। तो इसलिए मैं मिठाई और केक वगैरह ये सब आज बनाऊँगी। तो आज दिन भर मेरा पूरा बिजी शेड्यूल है। और केक का भी मैं सोच रही हूँ, जैसे क्रीम वगैरह लगा के बनाते हैं ना, वो वाला बनाऊँगी सोच रही हूँ। प्लेन पहले मैं प्लेन ही बनाती थी, अब थोड़ा सा क्रीम लगा के मैं सोच रही करूंगी। तो आज मैं दिन भर बहुत बिजी हूँ और मेरे साथ बने रहिए। अभी मैं बनाऊंगी मिठाई और उसके बाद बनाऊंगी केक, सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेरे साथ बने रहिए। मैंने लिया है 1 कप मैदा। अभी मैं केक बना रही हूँ। और 1 टीस्पून लिए हैं बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और एकदम चुटकी भर नमक। कोई भी स्वीट डिश में अगर नमक डाला जाता है तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है, तो केक में ज़रा सा नमक ज़रूर डालें। नमक ज़्यादा ना डालें, ज़रा सा डालें। और ये सारे सूखी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिला लेंगे जिसमें इसमें कोई नॉट्स ना हो। और एक एल्युमिनियम फॉयल मैंने लिया है और उसको ऐसे सेंटर से ऐसे नाप करके ऐसे राउंड करके काट लेंगे। तो ये जो केक टिन है ना, केक टिन का नीचे इसको दे देंगे तो क्या है, केक ना इसका जो लोअर वाला जो सरफेस है इसमें ना स्टिकी नहीं होगा। ऐसे भी आप ऑयल देके ऑयल को अच्छा से ब्रश करके उसके ऊपर अगर आप मैदा छिड़क देते तो भी नहीं स्टिकी होता है, लेकिन मैदा कच्चा मैदा रहता है इसलिए मैं इस तरह से करती हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर भी दे सकते हैं। बटर पेपर अगर नहीं है तो नॉर्मल जो पेपर है जिसमें हम लोग लिखते हैं वाइट पेपर, उसमें इस तरह से कट करके उसमें ऐसे ऑयल ब्रश कर लेंगे ना तो बटर पेपर बन जाएगा। और उसमें ऑयल ब्रश कर दिया जिसमें स्टिकी ना हो। और इधर मैं कुकर रख दी हूँ गैस पे और इसमें डाल दिया है नमक। नमक थोड़ा येलो लग रहा है क्योंकि नमक मैं बार बार यूज़ करती हूँ। और उसके अंदर एक स्टैंड रखा और कुकर का जो ढक्कन है ना, इस ढक्कन लगा देंगे और इसका लीड है, लीड को निकाल देंगे। लीड मैंने लिया है 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। कोई भी अनफ्लेवरेबल वाला जो ऑयल होता है ना, वो ऑयल यूज़ करना है, या तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और 1/4 कप दही, 1/4 कप शुगर
और ये सारे चीज़ों को एक साथ मिक्स करते रहना है। और अगर आपके पास बीटर है तो बहुत अच्छे से बीट हो जाता है, बट मेरे पास बीटर नहीं है तो मैं ये हैंड बीटर से बीट करूँगी। तो 15 मिनट्स एकदम टाइम देख के मैं इसको बीट करूँगी। 15 मिनट्स बाद ये बहुत अच्छे से क्रीमी टाइप का टेक्सचर हो जाएगा और फ्लफी हो जाएगा। तब मैं इसमें जो ड्राई इन्ग्रीडियंट था वो धीरे धीरे करके तीन हिस्से में इसको डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है, और धीरे धीरे करके दूध भी डालेंगे। दूध डाल के इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। और मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। ये बैटर बन चुका है और इस तरह से रेवन कंसिस्टेंसी होना चाहिए, इसको बोलते हैं रेवन कंसिस्टेंसी। और इसे ऐसे हिला लेंगे जिसमें इसमें कोई एयर बबल्स वगैरह ना रहे, ऐसे टैप कर लेना है जोर जोर से हल्का सा, जिसके अंदर अगर कोई एयर बबल्स होगा ना वो निकल जाएगा। अब मैं इसको कुकर में रख दूंगी और कुकर मेरा प्री हीट हो चुका है। इस टाइम जो कुकर ना बहुत ज़्यादा हीट रहता है, इसलिए थोड़ा सा संभाल के इसको हैंडल करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है इस टाइम, क्योंकि नमक भी है अंदर। तो मैंने तो माइक्रोवेव वाला जो ग्लव्स आता है ना वो मैंने पहन लिया, तब इसको अंदर डालते हैं। इस टाइम जो आपका जो केक टिन है ना, केक टिन को एकदम कोशिश करना है जो इसको एकदम बराबर जाए, नहीं तो केक टिन अगर हिल जाता है ना तो केक भी मैंने देखा हिल जाता है, और केक भी ऐसे हिला हुआ वो बेक होता है, और ऐसे एक साइड फुला हुआ एक साइड कम फुला हुआ ऐसे होता है। इसीलिए थोड़ा सा इसको ऐसे रखना है जैसे बराबर हो जाए चारों तरफ। 25 से 30 मिनट बेक करना है, उसके बाद एक देखो खुशबू भर गया है मेरे घर में। 25 से 30 मिनट बाद मैं इसको खोल के देख रही हूँ, केक इतना यामी बना है, मैं देख के ना खुश हो गई। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये देखिए केक का शक्ल देख के आपको पता चल जाएगा केक कितना अच्छा बना है। ये तो मतलब देख के पता चल जाए अंदर तक एकदम पक चुका है, क्योंकि मैंने 30 मिनट्स रखा था और एक बहुत अच्छे से पक चुका है। फिर भी मैं एक बार चाकू दे के देख लेती हूँ। चाकू को ना हमेशा मिडिल में ही डालना है, क्योंकि चारों तरफ का केक पक जाता है जल्दी, मिडिल में ही नहीं पकता है। लेकिन एक केक एकदम पक चुका है, कंफर्म है। ये देखिए कहीं पर भी गीला बैटर नहीं लगा है। और केक टिन को मैंने निकाल ली हूँ और इसे ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी। इसको ठंडा होने के बाद इसको डिमोल्ड करेंगे। देखिए कितना यामी और कितना खूबसूरत बना है। और ये है स्पॉन्ज केक, और कितना कलर भी कितना बढ़िया आया है। स्पॉन्ज केक में ऐसे ही कलर रहता है ना तो अच्छा लगता है। इसके ऊपर वाइट क्रीम डालो तो बहुत खूबसूरत भी लगता है। मैं जैसे ही चाह रही थी ना बिल्कुल मेरा केक ऐसे ही बना है। केक तो मेरा बन चुका है, अब मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ। ये जो रेडीमेड वाला गिर्स वाला जो पैकेट आता है ना उससे मैं बना रही हूँ, और मैं खुद से इसका जो ये है इसका जो बॉडी बनता है ना इससे मैं खुद से नहीं बना रही हूँ, रेडीमेड वाला गिर्स का पैकेट से ही बना रही हूँ। तो मैं जो पैकेट लेके आई थी ना उसमें 40 गुलाब जामुन मेरा बना, उसमें एक्चुअली लिखा हुआ था 40 बन सकता है, तो मैंने 40 ही बनाया। एकदम काट के मैंने 40 काट लिया था, और कितना अच्छा कलर आया है आप खुद भी देख सकते हैं। और जैसे गिर्स का पैकेट में जो कलर आता है ना वही कलर आया है। इतना तो मैंने गुलाब जामुन बना लिया है, और जितना कढ़ाई में है ना उसको मैं सोच रही हूँ काला जामुन बना लेती हूँ। तो काला जामुन बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस जो है ना जो कलर आपको गुलाब जामुन में चाहिए उससे थोड़ा सा और डार्क करना है। इस टाइम ये जो गुलाब जामुन है तो पक चुका है, इसका बाहर वाला जो सरफेस ऐसा इसमें कलर लाने के लिए बस गैस का फ्लेम को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगी, एकदम जलाना नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा दूंगी। तो इसके क्या है ऊपर वाला जो सरफेस है ये थोड़ा हल्का ज़्यादा डार्क हो जाएगा, और ये देखिए डार्क हो गया ना, लेकिन आपको दिख ही रहा होगा जो ये जला नहीं लेकिन डार्क हो गया है। इसे निकाल लेंगे, ये बन जाएगा मेरा काला जामुन। कुछ काला जामुन भी बन गया और गुलाब जामुन भी बन गया, और ये चाशनी में मैं रख दूंगी। 30 मिनट्स लिखा हुआ है इसमें 30 मिनट्स, बट मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम और रखूँगी, क्योंकि मेरा तो घर ही में ही रहना है रखना है। तो बहुत यामी यामी बना था ये गुलाब जामुन, आपको मैं खिला नहीं सकती, लेकिन बाकी में बहुत ही अच्छा बना था। ये देखिए आप शक्ल देख के आपको समझ में आ जाएगा कितना अच्छा बना है।
टोटल 41 है गुलाब जामुन, आपको दिख रहा है ना, गुलाब जामुन अलग पता चल रहा है और काला जामुन भी अलग पता चल रहा है। लेकिन मैं बहुत खुश हो गई, पता है इसको बना के इतना अच्छा लग रहा है। मैं थक गई थी लेकिन इसका शक्ल देख के ना मेरा सारा थकान दूर हो गया, इतना यामी बना है ये, बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। आप देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं। और इसको मैं ढक के अब रख दूंगी, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, आप खुद देख सकते हैं। देखे ना, अभी मेरा लंच करने के बाद फिर मैंने आइसक्रीम सॉरी जो अमूल का क्रीम लेके आए थे, अमूल क्रीम से ही व्हिप्ड क्रीम मैं बनाऊंगी, तो उसका मैं प्रोसेसिंग शुरू कर दी हूँ। केक तो मेरा बन चुका है, केक तो मैंने दिखा दिया, और अभी मैंने लंच वगैरह कर लिया है, और इस जो केक का जो मैं आइसिंग करूँगी ना, तो उसके लिए व्हिप्ड क्रीम बना रही हूँ। और ये बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मेरे पास ना इलेक्ट्रिक बीटर है नहीं, हैंड बीटर जो हाथ से जो अंडा वगैरह फेंटते हैं ना उसी से मैं कर रही हूँ, उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो उसमें आधा करने के बाद मैंने रख दिया अभी फ्रिज में, क्योंकि उसको ठंडा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं और ब्लॉग को बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगी, यहीं पे ब्लॉग को एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ और एक न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा।